तो बेसिकली आपको पार्लर में जाके ढेर सारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठे बैठे हेयर स्पा कर सकते हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने घर पे बैठे बैठे हेयर स्पा कर सकते हो। जस्ट आपको दो चीजों की जरूरत है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टू सॉल्यूशन एंड क्रीम। एक ये लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस हेयर स्पा क्रीम बाथ स्पा, एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन विच यू नीड टू मिक्स विद द हेयर स्पा क्रीम। तो बेसिकली आपको पार्लर में जाके ढेर सारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे यूज करना है ये हेयर स्पा एंड सॉल्यूशन। तो यस, लेट्स गेट स्टार्ट। ऑलराइट, सो आप जैसा देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी हेयर वॉश कर लिए हैं ताकि मेरे बाल थोड़े सूखे हो जाए, क्योंकि ये एप्लीकेशन करने से पहले यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपके बाल थोड़े से सूखे और थोड़े भीगे रहने चाहिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये बड़ा सा डब्बा आपको फुल ऑफ रिपेयरिंग क्रीम बाथ का मिल जाएगा, जो कि है 490 ml का, एंड इट रिटेल्स फॉर 600 rupees। ऑलराइट, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज दिस हेयर स्पा सॉल्यूशन विच इज हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन, और ये बेसिकली है ड्राई एंड सेंसिटिव हेयर के लिए। नाउ द प्रोसेस स्टार्ट्स हियर। यहाँ पे मैंने एक क्लीन सा बोल लिया है और उसमें मैं 3 स्पून प्रोडक्ट को डाल लूँगी, क्योंकि मेरे हेयर काफ़ी लंबे हैं तो उसके लिए ये 3 स्पून काफ़ी रहेगा। उसमें मैं ये पूरे सॉल्यूशन को डाल लूँगी और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है हमें। मेक श्योर कि आप पूरे बॉटल को यूज़ कर रहे हैं एट वन टाइम, क्योंकि ये आप रख के बाद में यूज़ नहीं कर सकते हैं। मिक्स इतना करना है ताकि ये अच्छा सा एक पेस्ट बन जाए विदाउट एनी बबल्स। तो लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये रिपेयरिंग क्रीम बाथ है वाटर लिली का बना हुआ। अगर आपके बाल रूखे हैं, झड़ रहे हैं और ज़्यादा शाइनी नहीं है, तो ये आपके बालों के लिए परफेक्ट क्रीम है। आपको प्रोडक्ट मिक्स करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे बालों को सेक्शन वाइज स्प्लिट कर लिया है, तो पतले पतले सेक्शन में मैं इस क्रीम को लगाऊंगी एक ब्रश की हेल्प से। एंड मेक श्योर गाइज कि आप बालों के एंड तक लगाएं, रूट से लेकर आपको बालों तक लगाना है, ताकि आपको पूरा रूट टचअप देना है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे इसको लगाना चाहे। आप इसको आइदर ब्रश की हेल्प से लगा सकते हो या फिर आप इसको हाथों की हेल्प से लगा सकते हो। मैंने पहले ब्रश की हेल्प से शुरू किया, लेकिन एंड होते होते मैंने हाथों की मदद से ही पूरे बाल में अच्छे तरीके से लगा लिया, ताकि आई डू नॉट मिस एनी ऑफ माई हेयर। सो बेसिकली द पॉइंट इज़ गाइज कि आपको बाहर जाके इतने ज़्यादा महंगे हेयर स्पा कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही रीजनेबल रेट्स में ये दोनों प्रोडक्ट खरीद सकते हो और आप घर पे आप हेयर स्पा कर सकते हो। यू डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर, यू जस्ट नीड टाइम। यू कैन जस्ट फॉलो दीज रूल्स टू मिक्स इट अप एंड अप्लाई इट ऑन योर हेयर, एंड दैट्स इट, यू आर डन। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपको पूरे स्कैल्प प्लस हेयर को मसाज करना है बहुत ही हल्के फिंगर टिप्स की हेल्प से। नेक्स्ट स्टेप इज़ आई एम गोइंग टू यूज़ अ स्टीम बाथ। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ कि एक टावल को, एक क्लीन सूखे टावल को मैं गर्म पानी में थोड़ा निचोड़ लूँगी, एंड देन आई एम गोइंग टू रैप इट अराउंड माई हेयर, और मैं 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी ऐसे ही। नाउ यू कैन सी कि मेरे बाल कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देता है बालों को, एंड माय हेयर लुक्स ऑसम। आई कैन फील इट गाइस, एंड आई कैन टोटली रेकमेंड दिस टू यू। तो विद दिस आई फिनिश माई वीडियो टूडे। आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये जरा भी पसंद आया वीडियो, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड किस चीज का आप वेट कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, हर जगह फॉलो कर सकते हो। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।